हाय फ्रेंड लोग, गुड इवनिंग। हम आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर के आए हैं। ये देख सकते हैं, सारी सामग्री मैं जुटा कर रखी हूँ। इधर मेरा बेसन भी है और देखिए, इधर मैं ब्रेड को कटिंग करके भी रखी हूँ। इधर मैं आलू का चोखा भी बना के रखी हूँ। इधर मेरी देखिए सारी सामग्री जुट चुकी है। ये आधा चम्मच में हल्दी ली हूँ, आधा चम्मच में मिक्स मसाला ली हूँ, आधा चम्मच में गरम मसाला ली हूँ और स्वाद अनुसार नमक ली हूँ। इधर थोड़ा सा अदरक कूट के रखी हूँ। इधर मंगरेला जमाइन है आधा चम्मच। उसके बाद ये रखी हूँ चावल का आटा और इधर देखिए ब्रेड कटिंग करके मैं रखी हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैं कटोरी ली हूँ, इसमें मैं बेसन अभी डालूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, हम इस चम्मच से चार चम्मच में ली हूँ बेसन को। इस चम्मच से चार चम्मच बेसन ली हूँ। उसके बाद बेसन में सारी चीज को ऐड करूँगी। ये मेरा गया चावल का आटा। देखिए ये अदरक जो रखी हूँ, थोड़ा सा अदरक मैं इसमें भी डाल दूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, सारे कुछ इसमें मैं ऐड कर चुके हैं। उसके बाद पानी दे करके घोलूंगी इसको। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, मैं अभी घोल रही हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, मैं बेसन को घोल के रख दी हूँ। अभी ब्रेड को मैं तैयार करूँगी। इसमें चोखा डालूंगी अंदर में, उसके बाद तैयार करूंगी ब्रेड को। तो देख सकते हैं फिर लोग, अभी चोखा में मिक्स कर रही हूँ। चोखा में आधी दी हूँ, अभी इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अभी ब्रेड के अंदर में डालूंगी। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, इसमें मैं अभी आराम आराम से मैं डालूंगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, इस ब्रेड में ऐसे की हूँ। इसके बाद इसी तरह मैं सारे ब्रेड को तैयार कर लूँगी। देख सकते हैं फ्रेंड लोग, सारे मैं ब्रेड को तैयार कर चुके हैं अभी चोखा भर के। उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब तेल गर्म होगा, उसके बाद मैं ब्रेड को उसमें तलूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, मेरा अभी तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं ब्रेड को अब डालूँगी। बहुत ही आराम आराम से इसको मैं ब्रेड में तेल में डालूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, मेरा अभी ब्रेड हो रहा है। अब इसको मैं पलटा दी हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड लोग, मेरा अभी हो जाएगा अब ब्रेड बनके तैयार। तो देख सकते हैं फ्रेंड लोग, मेरा अभी ब्रेड बन चुका है। अभी तेल से बाहर इसको निकालूंगी मैं। तो ये देखिए ब्रेड बन के तैयार हो गया है मेरा। तो टोमेटो सॉस और चिली सॉस आप लोगों के लिए डाल चुकी हूँ इसमें प्लेट में। तो देख सकते हैं कितना यमी यमी मेरा ब्रेड पकौड़ा रेडी है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी आज भी कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर करना भूलिएगा। बहुत मेहनत से मैं बनाई हूँ ब्रेड पकौड़ा। आप लोग ना लाइक करते हैं ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और अगर दिल से कोई चीज़ किया गया हो तो बहुत ही आसान लगता है, नहीं तो बहुत ही कठिन लगता है। तो फ्रेंड लोग, मैं बहुत ही प्यार से बनाई हूँ रेसिपी को। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी मैं कल नई रेसिपी लेकर के।